हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एनडीए सर। मुझे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ पता चली कि यूपी के बाद दिल्ली के अंदर भी जो 20 हॉट स्पॉट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। यूपी के बाद दिल्ली के अंदर भी 20 हॉट स्पॉट्स को सील कर दिया गया है। अब ये 20 हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं, यही लिस्ट लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। पूरी लिस्ट जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कौन कौन से एरियाज जो हैं वो हॉट स्पॉट में हैं जिनको सील कर दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट की जो हम बात कर रहे हैं, ये हॉट स्पॉट है क्या? तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री एन एरिया विद 10 और मोर केसेस ऑफ एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड ए क्लस्टर। एंड इफ मल्टीपल क्लस्टर्स डेवलप इन एनी रीजन, इट हैज द पोटेंशियल टू स्प्रेड द इन्फेक्शन फर्दर एंड इज कॉल्ड अ हॉट स्पॉट। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण वाले 10 या अधिक मामलों वाले क्षेत्र को क्लस्टर कहा जाता है, और यदि किसी क्षेत्र में कई क्लस्टर का विकास होता है, यानी अगर एक ही एरिया में एक से ज़्यादा क्लस्टर, बहुत सारे क्लस्टर बन जाएं, तो ये संक्रमण को और अधिक फैलाने की क्षमता रखता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे पास क्या अनाउंस किया था वेडनेसडे को, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सीलिंग ऑफ 20 कोरोना वायरस हॉट स्पॉट्स कंप्राइजिंग स्मॉल पॉकेट्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड मेड इट कंपल्सरी फॉर पीपल टू वेयर मास्क व्हेन स्टेपिंग आउट डोर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द नोवल वायरस। कोरोना वायरस को नोवल वायरस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 20 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट को सील करना, जिसमें बस्तियों और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की छोटी पॉकेट शामिल हैं, और नोवल वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है जब लोग घर से बाहर निकलेंगे तब। यानी आपको जो है मास्क पहनना पड़ेगा, अगर आप बिना मास्क के बाहर जाते हैं तो आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सैड, हमारे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने क्या कहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दोज नॉट वेयरिंग मास्क वाइल स्टेपिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहन रखा है, तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन यानी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बेहतर है कि आप जब भी बाहर, पहली बात तो ये घर से बाहर बिना जरूरी काम के निकलें ही ना, और जब भी घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहन के निकलें। ये पूरी दिल्ली के लिए जो है कर दिया गया है, ये सिर्फ उन्हीं 20 जो हॉट स्पॉट्स हैं उनके लिए, उन्हीं तक सीमित नहीं है। नबडी विल बी अलाउड टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम दीज एरियाज एंड गवर्नमेंट विल इंश्योर डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स देयर। इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों से ना तो किसी को बाहर जाने की इजाज़त है और ना ही किसी को इन क्षेत्रों में अंदर आने की इजाज़त है, सिवाय उन लोगों के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी सप्लाई करने वालों के अलावा। इसका मतलब तीसरी और दूसरी मेरे पास और बात क्या है, एरिया विल बी कम्प्लीटली सील्ड, इनको कम्प्लीटली सील्ड कर दिया जाएगा। वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन विल इंश्योर डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ एसेंशियल आइटम्स, मीन्स क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा, जबकि प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। यानी डिलीवरी अब जो है डोर टू डोर बाहर वाले लोग नहीं करेंगे, इसकी डिलीवरी जो है एसेंशियल आर्टिकल्स की डिलीवरी अब गवर्नमेंट के जरिए होगी, यानी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अब कोई आदमी बाहर से आपके पास देने के, जैसे आप सब्जी बेचने वाले आप पास आ रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, जरूरी नहीं, अब ये सब बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, वह आपके पास सारी चीज़ें पहुंचाएगा। वो 20 सील्ड हॉटस्पॉट जो मेरे पास हैं दिल्ली के अंदर, वो कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला नंबर आपका जो होता है एंटायर अफेक्टेड स्ट्रीट नियर गांधी पार्क, गांधी पार्क के पास वाली पूरी गली, मालवीय नगर न्यू दिल्ली। दूसरी आप पास कौन सी है, एंटर अफेक्टेड स्ट्रीट ऑफ गली नंबर 6, गली नंबर 6 जो है L1 संगम विहार न्यू दिल्ली, पूरी गली आप पास, शाहजहानाबाद सोसाइटी प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 11 द्वारका। चौथा दिनपुर विलेज है वो आपका कर दिया गया है। पांचवा मरकज मस्जिद निज़ामुद्दीन बस्ती, पूरी तरीके से सील है। नंबर 6 पर निज़ामुद्दीन वेस्ट जी और डी ब्लॉक एरिया जो मेरे पास हैं वो भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। सातवां बी ब्लॉक जहांगीरपुरी पूरा, उसके बाद आठवां नंबर हाउस नंबर 141 से लेकर के 180 तक, गली नंबर 14 कल्याणपुरी। नौ आप पास क्या है, मनसारा अपार्टमेंट्स वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली।
उसके बाद आपका जो है तीन गली खिचड़ीपुर की, जिसमें इंक्लूडिंग गली कंटेनिंग, जिनमें नंबर हाउस नंबर 5/387 खिचड़ीपुर दिल्ली। उसके बाद मेरे पास 11वां नंबर गली नंबर 9 पांडव नगर, और आप पास क्या है 12वें नंबर पर वर्धमान अपार्टमेंट्स मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन दिल्ली। 13वां नंबर मयूर ध्वज अपार्टमेंट IP एक्सटेंशन पटपड़गंज। 14वां नंबर गली नंबर 4 फ्रॉम हाउस नंबर J323115 जिसे नागर डेरी है, उससे लेकर के 108 तक टुवर्ड्स अनारवाली मस्जिद चौक है, उसकी तरफ जो आपका चौक अनारवाली मस्जिद तरफ जो चौक है उसमें किशन कुंज एक्सटेंशन। 15 गली नंबर 4 फ्रॉम हाउस नंबर J3/1012 हाउस नंबर J3107 तक किशन कुंज एक्सटेंशन। 16वां नंबर गली नंबर 5 ए ब्लॉक हाउस नंबर A176 से 189 तक वेस्ट विनोद नगर दिल्ली 92। आपका जे और के एल और एच पॉकेट्स दिलशाद गार्डन के। 18वें नंबर GHJ ब्लॉक सीमापुरी ओल्ड सीमापुरी। 19वां नंबर आप पास है F7290 ब्लॉक दिलशाद कॉलोनी, और आप पास 20वां नंबर जो है प्रतापखंड झिलमिल कॉलोनी। ये सारे मेरे पास वो हैं जिनको सील कर दिया गया है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप ज़रूर हमारे पास आएँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे पास जो होती है, जो ये जब जिन चीज़ों को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है, या ऐसे एरिया जो डिक्लेयर हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के कगार पर हैं, यानी जिनकी इतनी कैपेसिटी बन गई है कि उनको हॉटस्पॉट जो है डिक्लेयर कर दिया जाए, तो अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनके पास एक इतना राइट होता है कि वो लोगों को वहाँ आना जाना बिल्कुल बंद कर दें, मना कर दें, ठीक है, और उनको कंटोनमेंट एरिया बना देते हैं सील करके। और जो कंटोनमेंट जोन्स होते हैं, कंटोनमेंट जोन्स वो क्या होता है कि एक पैमाना होता है जो डिजीज़ के ट्रांसमिशन को मापने का और उसे रोकथाम के लिए, ताकि वो फैल ना सके, और इसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस जो है वो अनाउंस करता है, और इसको जो पूरी तरीके से इट कम्प्लीटली शट्स द मूवमेंट ऑफ कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल होते हैं उनका पूरी तरीके से आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी जाती है विद अथॉरिटीज़ टेकिंग केयर ऑफ एसेंशियल सप्लाइज, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनका जो काम है वो अथॉरिटीज़ को दे दिया जाता है, आम आदमियों के हाथों में नहीं रहता। कोई डाउट है, कोई क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ घरों में रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, लोगों से हाथ न मिलाएं, अपने जो हाथ हैं वो अपने चेहरों पर ज़्यादा ना लगाएं, हाथ धोते रहें, चेहरा धोते रहें, लोगों से ज़्यादा मिलें जुलें ना, घर से बाहर ना निकलें। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे जो कहना है पूछना है कहिए, हमारी वीडियो बताइए कैसी लग रही है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।